हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं रियलमी C12 के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और पूछना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन उससे क्लिक करना, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको बता दूँ, जरा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है, तरह तरह के आप ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर किस प्रकार से सेट करेंगे, तो यही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस तरीके से जितने भी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है आप लगा सकते हैं। हम अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है इसको। तो फ्रेंड्स, ये जब भी ऑन होगा, जब आप इसको इनेबल करेंगे लॉक स्क्रीन, तो इसके लिए आपको आपको जाना है सेटिंग पर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपको जाना है, आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन मैगजीन पे क्लिक करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आपको जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन है, इस पे क्लिक करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये दोनों जो है ऑन हो रखा है, मैं आपको डिसेबल करके दिखाती हूँ। इसको आपको इस तरीके से डिसेबल हो चुका है, तो इसको आपको इनेबल करना है, ऑन करना है। तो अपडेट, तो इसको ऑन करने से जितने भी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। और जैसे ही अब यहाँ देखेंगे आप अपडेट यूजिंग मोबाइल डेटा, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये मोबाइल डेटा जैसे ये डिसेबल होगा, तो आपको ऑन करना पहले दो। फिर उसके बाद जितने भी वॉलपेपर नया अपडेट होता रहेगा मोबाइल डेटा के ज़रिए, तो इसको भी आप इनेबल करके रखें। जितने भी नए नए वॉलपेपर हैं, तरह तरह के आपको चेंज ऑटोमेटिक जो चेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा इस तरीके से। तो आप इन दोनों को इनेबल करके रखेंगे, तो आपका जो है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर जो है चेंज होगा तरह तरह के ऑटोमेटिक। मैं आपको दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, इसको बैक करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आपका चेंज होता रहेगा। कुछ नया ये सेम आ रहा है, कुछ नया अपडेट होगा तो वो उससे अपडेट होता रहेगा। तो इस तरीके से आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।